और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, देश के सभी नेशनल हाईवे टोल फ्री कर दिए गए हैं। देश के सभी नेशनल हाईवे, ये एक बड़ी खबर है। किसी हाईवे पर कल रात तक टोल टैक्स नहीं लगने वाला है। जाहिर सी बात है कि क्योंकि इस नए फैसले को लेकर कई टोल टैक्स स्टेशन पर काफी भीड़ और जाम लग रहा था, इसके मद्देनजर ये एक नया फैसला लिया गया है। बात करते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। यतेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है नए फैसले को लेकर? देखिए, अभी कुछ देर पहले नितिन गडकरी की अध्यक्षता में एक नेशनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें बात खुलकर आई कि टोल पर काफी दिक्कतें आ रही हैं पैसे की वजह से। जो 500 रुपए के नोट स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं और छुट्टे पैसे यानी खुले पैसे जो यात्री हैं जो वहां से यात्रा नेशनल हाईवे पर कर रहे हैं उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से जाम लगने की भी कई सारी समस्याएं, कई सारी खबरें गडकरी के साहब के पास पहुंची। तो तुरंत उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि 11 तारीख की रात तक, यानी कि 11 तारीख के 12 बजे तक, 11 नवंबर के रात के 12 बजे तक सभी नेशनल हाईवे को टोल फ्री किया जाएगा, जिससे वहाँ जो यातायात है वो स्मूथ बना रहे, किसी भी तरह की जाम लेकर समस्या ना आए। और सारे एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है सारे नेशनल हाईवे अथॉरिटीज को कि किसी भी जो वाहन होगा, या छोटा वाहन हो या बड़ा वाहन हो, उनसे किसी भी तरह का टोल वहां पर नहीं वसूला जाएगा। उनको 11 नवंबर की रात 12 बजे तक बिल्कुल पूरी तरह से फ्री कर दिया जाएगा। और ये सारी दिक्कतें 1000 रुपए और 500 रुपए नोट की वजह से आ रही है, जिसको देखते हुए गडकरी ने बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है। सुबह से हम ये बात कर रहे थे, साथ में गुड़गांव का जो टोल स्टेशन है वहाँ की भी बात कर रहे थे, वहाँ पे भी जाम लगा हुआ है। लेकिन यतेंद्र, एक सवाल ये भी है कि 11 तारीख रात तक ये फैसला होगा, लेकिन उसके बाद तुरंत इसमें सुधार आ जाएगा, ये अभी जाहिर तौर पर नहीं कहा जा सकता। तो देखना होगा कि आगे फिर से डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन अभी कुछ बिल्कुल तो आगे डिस्कशन किया जाएगा। बहरहाल ये बड़ी खबर थी कि फिलहाल 11 की रात तक के लिए नेशनल हाईवेज को टोल फ्री कर दिया गया है।